फ्रेंड्स, विजय एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार सिंह फिर से आया हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे। जो क्वेश्चन बच गया था ग्राफिकली सोल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को लेके आए आपके बीच। आज जो है ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए जो है वो लास्ट दिन है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही चलेगा, लेकिन ग्राफिकली नहीं बल्कि अर्थमेटिकली चलेगा। तो चलिए ग्राफिकली में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ये जो दो इक्वेशंस दिए हैं, ये दो क्या दिए हैं, इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ जो है सेम पेपर पे बनाना है। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्मड बाय दीज लाइंस। कहता है ये दोनों जो लाइन बनेगा ना, ये दोनों लाइन से जो ट्रेपेजियम तैयार होगा, उस ट्रेपेजियम का क्या बतलानी है, कोऑर्डिनेट बतलानी है। और उसके बाद कहता है ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, और उस ट्रेपेजियम का एरिया भी बनाना है। कहने का मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको सोल्व करिए, उसका ग्राफ बनाइए, और जब ग्राफ बन जाता है तो एक ट्रेपेजियम बनेगा। देखेंगे कैसे ट्रेपेजियम बनता है, उस ट्रेपेजियम का वर्टिसेस और एरिया दोनों बतलाने हैं। तो चलिए पहला इक्वेशन क्या है इसका, तो पहला इक्वेशन है 2x + y = 2। इसका सोल्यूशन बॉक्स बनाए ताकि सोल्यूशन करेंगे तब ना ग्राफ बनेगा भाई। ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई। अब यहाँ पर पुट करते हैं y इक्वल टू जीरो, हमको जीरो मतलब बहुत ही आसान लगता है। देखिए क्या होगा, पुट y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो पुट किए तो पुट y इक्वल टू जीरो, तो 2x + y, तो y हो गया जीरो इक्वल टू टू, यानी फाइनली क्या बचा, ये जीरो रहे चाहे नहीं रहे कोई अहमियत नहीं है, यानी 2x = 2। सो देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, 1। x बराबर क्या आ जाएगा, 1। सिंस देखे फिर इक्वेशन को लिखिए, तो इक्वेशन क्या है, 2x + y = 2, लेकिन पुट अभी y बराबर क्या पुट कर देते हैं, तो पुट y बराबर 2 पुट करते हैं, y बराबर क्या पुट करते हैं, 2। तो यहाँ पर 2x + 2, y के जगह पे 2 = 2। अब ये प्लस 2 उधर जाके -2 होगा, यानी 2 में 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x = 0, तो x = 0 बचेगा। क्यों सर 0 क्यों बचा, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका एक निकल गया 0, तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिला जी, 1 0, तो दूसरा का क्या मिला, 0 2 मिला। चलिए दूसरा इक्वेशन क्या था, ये 2x + y = 2 नहीं 6 है। तो अब इसका देखिए सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं ताकि सॉल्यूशन निकाल सके। ये इसका सॉल्यूशन बॉक्स बन गया, ये आपका सॉल्यूशन बॉक्स तैयार हो गया। ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई। अब पुट कर दीजिए, हमको लगता है बाई जीरो पुट करिए बहुत ही आसान मिलेगा, पुट बाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + y, तो बाई की जगह पे 0 = 6। ये जीरो रहे या ना रहे कोई मतलब इसका है नहीं, तो 2x = 6, तो देयरफॉर x बराबर क्या होगा भाई, ये 2 से डिवाइड होगा तो x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर क्या आ गया, 3, तो बाई जीरो पुट किया तो x आ गया 3। अब ये क्या पुट कर देते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं, x बराबर अभी 0 पुट कर देते हैं, तो x बराबर 0, तो पुट x = 0, x = 0 पुट किया तो 2, क्या था इक्वेशन, सॉरी पहले इक्वेशन लिखिए, 2x + y = 6, पुट x = 0 पुट किया तो 2 × x, एक्स के जगह पे 0 + y = 6, 2 × 0 ये बन गया 0, तो 0 + y = 6, तो यानी y = क्या आ जाएगा फाइनली 6। y = क्या आ गया, 6, ये 6 हो गया, तो इसका एक हो गया 3 0, एक हो गया इसका क्या चीज 6 0। यानी पहला इक्वेशन का भी दोनों सॉल्यूशन निकाल लिए, दूसरा इक्वेशन का भी दोनों सॉल्यूशन निकाल लिए। अब ग्राफ बनाते हैं, तो ये मेरा ग्राफ शीट तैयार हो गया है। अब इस पे हम क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए पहला इक्वेशन का दो सॉल्यूशन, तो पहला सॉल्यूशन क्या है, 1 0, यानी x बराबर 1 0, तो y 0 है, तो पक्का है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा, लेकिन x एक्सिस पे कहां पे, तो 1 पे होगा, तो ये 1 0 ये हो गया। और दूसरा क्या है, 0 2, यानी x बराबर 0 तो y एक्सिस पे होगा, लेकिन कहां पे, 2 पे, तो 0 2 ये हो गया आपका, 0 2 ये हो गया आपका क्या चीज, 1 0, और ये पॉइंट क्या हो गया, 0 2 हो गया। ये पहला इक्वेशन का दोनों पॉइंट मिला, ये दोनों पॉइंट को सामने करके इसका ऐसे ग्राफ खींच देंगे, स्ट्रेट थोड़ा सा खींच देंगे ग्राफ इसका। चलिए ये पहला इक्वेशन का ग्राफ हो गया। दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है, 3 0, यानी बाई बराबर 0 है, तो पक्का एक्स एक्सिस पे होगा, वो भी कहां पे, 3 पे, ये हो गया 3 0, ये पॉइंट क्या हो गया, 3 0 हो गया। और दूसरा 6 0, तो बाई बराबर 0, सॉरी यहाँ पर देखिए y बराबर 0 तो x एक्सिस पर 3 0, ये बिल्कुल सही है 3 0, और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 6 है, ये गलत लिख दिए थे हम,
जीरो सिक्स है, तो एक्स बराबर जीरो है, तो बाई एक्सिस होगा वो भी कहां पे, सिक्स पे, तो यहां पर ये हो गया, और ये दोनों पॉइंट को यही हो गया जीरो सिक्स, तो जीरो सिक्स हो गया, तो ये दोनों पॉइंट को एक सामने करके खींचेंगे तो ये इसका ग्राफ हो गया। यहां पर देखिए ग्राफ पैरेलल जा रहा है, तो यहां पर क्या पता चलेगा कि द लिख सकते हैं यहां पर कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहां पर लिखेंगे कि द ग्राफ्स ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल है, दैट मींस ये इनकंसिस्टेंट है। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट है। ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन है, तो यहां पर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये जो ट्रापीजियम बना है, ये क्या बना है, यही ट्रापीजियम बना है, ये आपका ट्रापीजियम बना है, इस ट्रापीजियम का आपको एरिया पहले वर्टिसेस बतलानी है। ये पॉइंट मान लिए ए हो गया, तो एक पॉइंट ये बी हो गया, ये एक पॉइंट को सी मान लिए, तो ये एक पॉइंट क्या हो गया, डी। तो पहले हमको वर्टिसेस बताना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि द वर्टिसेस ऑफ फॉर्म्ड ट्रापीजियम, जो ट्रापीजियम बन के तैयार हुआ है उसका वर्टिसेस क्या होगा, तो वर्टिसेस आर। तो पहले ए पॉइंट का बताइए, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है जी, 1 0। फिर बी पॉइंट का बताइए, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है जी, 3 0। फिर चलिए सी पॉइंट का बताइए, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है जी, 0 6 है। एंड पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, तो डी पॉइंट यहां पर है, तो ये क्या है जी, तो यहां पर है 0 2। तो ये चारों पॉइंट का वर्टिसेस बता दिए। आगे चलिए, चारों पॉइंट का जब वर्टिसेस बता दिए हैं, तो अब ट्रापीजियम का एरिया निकालना है, इस ट्रापीजियम का एरिया। तो हम लोग ट्रापीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ना ही पैरेलल साइड का लंबाई मालूम है, ना ही ट्रापीजियम का हाइट मालूम है, तब इसका एरिया कैसे निकालें। तो इसका एरिया निकालने के लिए एक बुद्धि लगाते हैं जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं ओ है, ये ओ है, तो बी ओ सी एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर ए ओ डी एक ट्रायंगल है। ये जैसे ये पूरा ऐसे बना, ये बड़ा सा ये ट्रायंगल में अगर ये छोटा सा ट्रायंगल को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक इस ट्रापीजियम का एरिया बच जाएगा। फिर से देखते हैं, ये ऐसे हो गया, और ये इक्वेशन, ये ग्राफ है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी का निकालते हैं, और उसमें इस ट्रायंगल का, ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया को हम क्या करेंगे, घटा देंगे कौन, ओ ए डी को, तो ऑटोमेटिक ट्रापीजियम का एरिया बच जाएगा, है ना, ट्रापीजियम का एरिया बच जाएगा। तो जगह नहीं, तो इधर हम लिखते हैं निकालते हैं पहले एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये बड़ा सा, तो बी ओ सी, कौन सा ट्रायंगल है जी, बी ओ सी। तो फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस यहां पर 3 यूनिट तक गया, और हाइट का यूनिट तक 6 यूनिट तक, यानी 3 × 6 इतना यूनिट का स्क्वायर, ये कट गया तो आ गया 3, और 3 × 3 जा 9 यूनिट स्क्वायर आ गया। अब चलिए हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, कौन, ए ओ डी का, तो यहां पर निकालते हैं एरिया, क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। तो ए ओ डी का एरिया क्या होगा, तो वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ए ओ डी में बेस है 1 यूनिट और हाइट का यूनिट है 2 यूनिट, तो बेस 1 और हाइट 2, तो इतना यूनिट का क्या होगा, स्क्वायर, बिकॉज एरिया है, 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा, 1 यूनिट का स्क्वायर। अब चलिए, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल गया, तो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, कौन सा ट्रापीजियम भाई, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, यानी ये पूरा ट्रापीजियम ए बी सी डी है, इसका एरिया क्या होगा, तो बाहर वाला ट्रायंगल में अंदर वाला ट्रायंगल को घटाएंगे, तो बाहर वाला ट्रायंगल क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ सी है, और अंदर वाला ट्रायंगल क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी है। अब घटा दीजिए, तो इसका है 9 और इसका है 1, तो इतना यूनिट का क्या हो गया, स्क्वायर। अब ये घट के बचेगा 1 यूनिट स्क्वायर। उम्मीद करते समझ में आया होगा, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं।
पहले आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इक्वेशन सोल्व करने के बाद पहला इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ करेंगे। ग्राफ फाइनली कैसे जाएगा, दोनों ही ग्राफ पैरेलल चल जाएगा। और ग्राफ पैरेलल चल गया तो आप बोलेंगे कि ये जो दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज देयर ग्राफ लाइन ऑफ ग्राफ्स आर पैरेलल। ग्राफ्स का जो लाइन है क्या है, पैरेलल है, जिसके कारण ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। बिकॉज वो काटेगा ही नहीं, और काटेगा तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं, जब काटेगा ही नहीं तो सोल्यूशन कैसे होगा। और उसके बाद ये ट्रापीजियम का एरिया निकालना था, तो इसके लिए सिंपल सा बुद्धि था कि ये ओरिजिन के साथ ये बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में ये छोटा वाला ट्रायंगल के एरिया को घटा दिया, ऑटोमेटिक इस ट्रापीजियम के एरिया निकल गया, यही इसका कंसेप्ट था। तो आज हम क्लास 10 के बच्चों को फिर से बोलना चाहते हैं कि आज जो है आपको लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहला एक्सरसाइज जो ग्राफिकली सोल्व होता है, और ये एग्जाम पर्पस से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ऐसा आता है, तो ये जो है आज समाप्त हो गया। किस किस टाइप का आप क्वेश्चन बनाने सीखे, तो पहला तो आप ये बनाने सीखे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जब काटा तो कंसिस्टेंट, नहीं काटा पैरेलल गया तो इनकंसिस्टेंट, या काटा और कोइंसाइड किया तो कंसिस्टेंट हो गया। दूसरी चीज बताए थे कि आपको एक सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, फिर सोल्यूशन उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन बना। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा एक्सरसाइज को आप फिर से रिवाइज करें, फिर से बनाएं, ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, और जब प्रैक्टिस बढ़िया होगा तो आपका एग्जामिनेशन भी बढ़िया होगा।